अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले का श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन 2 जनवरी से 8 जनवरी तक किया गया है। श्री शिव महापुराण कथा का यह आयोजन ग्राम कोकड़ी, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ में किया गया है। आइए जानते हैं कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कैसी चल रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। बलौदाबाजार में शिव पुराण कथा पंडित श्री प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले महाराज जी का दिनांक 2 जनवरी 2023 से 8 जनवरी 2023 तक ग्राम कोंकड़ी, जो कि बलौदाबाजार से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले महाराज जी के श्रीमुख से शिव महापुराण की कथा आयोजित की गई है। ये आज हम कथा स्थल पर आए हैं। कथा स्थल देखिए, पंडाल का निर्माण यहाँ पर हो रहा है और विशाल क्षेत्र में ये श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है। ये लगभग 20-22 एकड़ का प्लाट जहाँ पंडाल का निर्माण हो रहा है और दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। पंडाल का निर्माण प्रगति पर है और समतलीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। बलौदाबाजार भाटापारा रेलवे स्टेशन से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और बलौदाबाजार से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम कोंकड़ी स्थित है, जहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले महाराज जी के श्रीमुख से शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये देखिए विशाल पंडाल, यहाँ पर आने का रास्ता बिल्कुल सुगम है। ये बाईपास रोड में स्थित है, जहाँ से सीधे हम पंडाल स्थल पर पहुँच सकते हैं। कथा स्थल बिल्कुल रोड के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर निर्माण कार्य दिन रात चल रहा है। 2 जनवरी से यहीं पर श्री शिव महापुराण का आयोजन जायसवाल परिवार के द्वारा किया जा रहा है। शिव महापुराण जो बलौदाबाजार के ग्राम कोंकड़ी में आयोजित होने वाली है, उसके आयोजक समिति के समस्त सदस्य आपके सामने विराजित हैं। अब हम समिति के सदस्यों से ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने पंडाल बनाए जा रहे हैं। आइए सर। यहाँ पे लगभग 3 पंडाल बन रहे हैं जी। एक 400 मीटर का है, 400 फीट का है जी जी, और दो छोटे छोटे 200-200 फीट के अगल बगल में। अच्छा, 3 पंडाल टोटल, और बाकी जो है सामान्य पंडाल लगे हैं। पंडाल का एरिया लगभग आएगा 700 फीट के आसपास में टोटल पंडाल लगाने का प्रावधान है, जिसमें लगभग 1.5 लाख पब्लिक लगभग बैठने की व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे लेट बाथ का है, नहाने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था, जो रात को रुकते श्रद्धालु उनकी भोजन की व्यवस्था है, और सब लगभग 100 मीटर के आसपास रेडियस में है। चिकित्सा व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पे, चारों रोड पे, बाईपास से लेके चारों रोड पे आधा किलोमीटर यहाँ से दूरी में पार्किंग को रोक दिया जाएगा। पार्किंग पर्याप्त व्यवस्था है, खेत में पार्किंग बनाया गया है, 100 एकड़ लगभग 25-25 एकड़ के हैं लगभग चारों। उनका नाम है रामू राम जायसवाल परिवार, वेणु शंकर जायसवाल। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको, वो भोले भक्त हैं, शंकर भगवान बहुत बड़े भक्त थे, और वो प्रदीप महाराज का प्रवचन सुनने जहाँ भी होता था उस प्रवचन का लाभ लेने जाते थे, तो वही से उनको लगा कि मेरे को भी प्रवचन कराना है यहाँ करके। अच्छा। और उसी बीच में ऐसा हुआ कि महाराज जी के पास जाना हो गया, गए तो समय भी दे दिए, 2.5 साल पहले
जी जी से प्रयासरत थे, 2.5 साल बाद का समय मिला हमको जी। और वो दिन 2 तारीख 2 जनवरी का दिए थे डेट।